कैम 2022। इसमें आज हम कुछ फिनिशिंग के टूल पाथ देखेंगे कि हम हाइब्रिड मशीनिंग कैसे कर सकते हैं, इक्वल स्केल अप कैसे कर सकते हैं, और स्पायरल और रेडियल हम इस अगर मुझे इस मॉडल के ऊपर हमारे को चलाना है तो वो कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिड बहुत बढ़िया, नाम से ही पता लग रहा है कि हाइब्रिड है। हाइब्रिड मतलब यानी दो तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है ना, तो अभी हाइब्रिड इसका नाम रखा गया। तो ये स्टीप एरिया होता है और शैलो एरिया दोनों पे चलेगा, तो वही देखना हमारे को कैसे चलेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे को पूछ रहा है, मशीनिंग ज्योमेट्री पूछ रहा है, तो अगर हम कंट्रोल ए दबा देंगे तो ये सारी सिलेक्ट हो जाएगी। हमारे को इसको ऊपर नहीं चलाना, सिर्फ बीच बीच में चलाना। तो जितनी सरफेस चाहिए उतने और पोर्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास इतना पोर्शन सेलेक्ट हो गया। स्टॉक आपको कितना छोड़ना है, क्योंकि फिनिशिंग का ऑपरेशन है तो मैं स्टॉक इसमें नहीं छोड़ना चाह रहा। तो टूल पाथ कंट्रोल के लिए हम बाउंड्री सेलेक्ट कर सकते हैं, पर हम जितनी सरफेस सेलेक्ट करेंगे सारे पे चलाना चाहता हूँ मैं। टूल दे सकते हैं, टूल हमने एक 6 mm का बॉल मिल ले लिया फिनिशिंग के लिए। क्लॉक वाइज चलाना है, एंटी क्लॉक वाइज चलाना है, वन वे चलाना है या जिगजैग चलाना, दोनों चीज़ें ऑप्शन। स्टेप डाउन, हर बार नीचे कितना आएगा। अभी इसको 4 mm ही रहने देते हैं ताकि हमारे को देखने में आसानी हो। वैसे ये पॉइंटों में भरना चाहिए, पर फिलहाल हमारे को टूल पाथ भी नज़र आना चाहिए, तो इसलिए हम इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद है लिमिटिंग एंगल। लिमिटिंग एंगल का मतलब है स्टीप और शैलो दो एरिया जो कैलकुलेट होने हैं वो इस एंगल के ऊपर क्रिएट होने हैं। ये जो स्टीप एंड शैलो एरिया है भाई, कितने पोर्शन को, अब जैसे यहाँ पे अगर हमारा कट बड़ा बड़ा लगने लग सकता है क्योंकि डेप्थ कम है, तो वो स्टीप एंड शैलो एरिया से डिसाइड होगा। 3D स्टेप ओवर कितना, 1 mm का, ठीक है। ये लिंकिंग पैरामीटर हमारा बिल्कुल चेंज हो चुका है नए मास्टर कैम के अंदर, 2022 के अंदर। पहले सिर्फ आपको ये तीन ऑप्शन नज़र आती थी और रीट्रैक ना हो जाता था, यानी कि सिर्फ इतनी विंडो नज़र आती थी पहले। अब मास्टर कैम 2022 में ये लीड्स एंड लिंक्स आ गए हैं, ठीक है भैया। टूल ने एंट्री कैसे लेनी है, लीड इन कहते हैं उसको, लीड आउट कहते हैं अगर जब कटिंग करने के बाद वो बाहर कैसे जाएगा। तो फिलहाल मैं इसमें कुछ चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। एक बार ये चला के देखते हैं, फिर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसको चला के देखेंगे। ओके कर देते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे तो ये हमारा जो टूल पाथ जो है ये क्रिएट हो जाएगा। ये जो ग्रीन कलर की सिंबल आ रहा है इसका मतलब है वेट करो, तो ऑल्ट एम दबाएंगे तो हमारे को दिखाने लग जाएगा कि हमारा प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है। तो इससे थोड़ा सा वेट करने में आसानी हो जाती है। तो अगर किसी को ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी लोग वीडियो देखने का बेस्ट तरीका क्या होता है कि जैसे जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वैसे वैसे करेंगे तो बहुत इजीली समझ में आएगा कि हम मास्टर कैम के अंदर प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं। तो अगर किसी को ये कॉम्पोनेंट चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए स्टेप बाई स्टेप, तो ज्वाइन का बटन दबाएंगे और मेंबरशिप हासिल करेंगे। तो उससे आपको, हम जितने भी अपने मेंबर्स हैं सबके साथ वीडियो शेयर करते हैं, साथ के साथ ये मॉडल भी शेयर करते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखना है, चैनल को ज्वाइन करना है, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन टाइम डिपेंड करेगा इस मॉडल का साइज़ कितना है, हमने कौन सा टूल यूज़ किया, कितना स्टेप ओवर यूज़ किया, कितना स्टेप डेप्थ यूज़ किया है ना। तो ये देखो दो पोर्शनों में चला है, ये दो पोर्शंस में कैसे, अब जो हमारा स्टीप एरिया था जो मैं दिखा रहा था कि 35 डिग्री, अगर मैं इसको फ्रंट व्यू में देखूं तो ये देखो ये 35 डिग्री तक अलग स्टेप ओवर 1 mm के स्टेप ओवर से चला है, और उसके जो शैलो एरिया है उसके अंदर 4 mm का स्टेप डेप्थ दिया है इसने, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो मकसद है वो यही है। हमारे को इसको एक छोटी सी कर्व लगाता हूँ मैं,
ताकि मैं इसको बाउंड्री दे सकूं। तो पैरामीटर में जाएंगे और टूल पाथ कंट्रोल में मैंने इसको बोल दिया कि इस कर्व से बाहर नहीं आना चाहिए। अगर सिलेक्शन में दिक्कत हो तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, आर्क या ऑल कर्व सिलेक्ट कर लो। ठीक है, तो वो टूल पाथ जो है इस कर्व के अंदर अंदर चलेगा, बाउंड्री के अंदर अंदर चलेगा। मास्टरकैम 2022 में एक और खासियत है कि हमारे को अब रीजनरेट का बटन नहीं दबाना पड़ता। जो हमारी प्रॉपर्टीज़ वाला बटन है वहीं पे हमारे पास रीजनरेट का बटन आ जाता है। तो ये देखो काफ़ी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी। अगर हम ये जो कटिंग पैरामीटर में ये दोनों जेड डेप्थ और 3D स्टेप ओवर इन दोनों को सेम कर दें तो ये सारे में सेम कटिंग करने लग जाएगा। जेड में पासेस देखने हैं कि नहीं देखने हैं, देखो ये स्टीप एंड शैलो एरिया का ये मतलब होता है। देखो कि जहाँ पे ये वैसे तो ये कांस्टेंट स्टेप ओवर है, स्टेप डाउन है, जेड में कांस्टेंटली जा रहा है, पर जो हमारा टेपर एरिया है वहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा होता जा रहा है। देखो जो सीधी जगह है वहाँ पर तो ठीक है, पर जो टेपर जगह है वहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। तो ये अलग अलग मेथड है कि हमारे को कैसे उस एरिया को कवर करना, तो इसको ऑटोमेटिक ही रखना चाहिए बेसिकली। फ्लैट, अगर कोई फ्लैट जगह उसको नज़र आ रही है तो उसमें आपको क्या करना है, इग्नोर फ्लैट कर देंगे तो फ्लैट एरिया पे नहीं चलेगा फिर, पर हमारे को इसको करने की ज़रूरत नहीं है। इंक्लूड फ्लैट कर देंगे तो ठीक आ जाएगा। फ्लैट में स्टेप ओवर कितना चाहिए, मैंने कहा ये 1 का ही चाहिए। तो हमारे इस मॉडल में तो कोई फ्लैट एरिया है नहीं, अदरवाइज हम इसमें भी चला सकते। जैसे जैसे मैं स्टेप ओवर का जो स्टीप शैलो एरिया का एंगल चेंज करूँगा तो ये कट की डायरेक्शन भी हमारी ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से चेंज होती है। पैरामीटर में जाएंगे और ये एंगल को अगर मैं कर दूं 15 डिग्री, ठीक है, इसको बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं, ओके कर देते हैं, जनरेट करेंगे। अभी देखो इसमें कई जगह जो है टूल जो है हमारा टूल की मूवमेंट जो है उसमें लिफ्ट आ रही है। ये देखो अब ये 15 डिग्री तक चला गया, ठीक है, ठीक है। ये जो एंट्री और एग्जिट है ये लीड इन लीड आउट की वजह से, यहाँ पे ये हॉरिजेंटल है, अगर इसको नन कर देंगे दोनों में, ये लीड इन का मेथड है, ये लीड आउट का मेथड है और ये सेकेंडरी लीड है। अगर उससे ये चीज़ ना हो पाए तो क्या करना, ठीक है। तो अभी मैंने फ़िलहाल बंद कर दिया तो सब लीड इन लीड आउट बंद हो जाएंगे। उसमें जो हरी और लाल लाइनें आ रही थी वो ख़त्म हो गई, देखो, ठीक है। पैरामीटर में जाएंगे, इसको ऑन कर देते हैं, हॉरिजेंटल, ओके, फिर से जनरेट। कोई भी सॉफ्टवेयर सीखने का बेस्ट तरीका क्या है, देखो अब ये रेड कलर में आ रही लाइन, ये एंट्री है और ग्रीन वाली एग्जिट है। अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा वर्टिकल तो वर्टिकल शेप में जाने लग जाएगा। एक हॉरिजेंटल एरिया है, एक वर्टिकल, ये देखो वर्टिकल में अब ये ऊपर को मूव कर लिया इन सब ने, ठीक है। तो एंट्री में भी ऊपर जाएगा, एग्जिट में भी ऊपर को जाएगा। तो हमारे को अपने मॉडल के हिसाब से देखना पड़ेगा कि हमारे को क्या चीज़ चाहिए। अब बाकी सारी जगह तो ठीक है, ये वाली जगह में प्रॉब्लम हो जाएगी, देखो स्टेप ओवर जो कितना ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो हमारे को क्या करना चाहिए,
हमारे को कटिंग पैरामीटर में जाके इन दोनों को कर दो वन, इसको कर दो 35 की जगह 40। वैसे 30 डिग्री बहुत अच्छा होता है, तो 30 डिग्री कर सकते हैं 45। और डिपेंड करता है हमारा कंपोनेंट कैसा है, उसके हिसाब से हम इसका स्टेप ओवर जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया टूल पाथ है। तो अगर आपको ये टूल पाथ हाइब्रिड पसंद आया है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाना। अभी देखो ये यहाँ तक अलग स्टेप में चला है, यहाँ तक अलग स्टेप में चला है, 40 डिग्री तक अलग चीज़ चली है, ठीक है, और उसके बाद कांस्टेंट चलने लग गया। तो हमारी वो वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई और दूसरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। और इसमें हम चेंज कर सकते हैं ट्रांजिशन रैम, ठीक है, कि हमारे को स्ट्रेट रखना है, रैम रखना है, या ये रखना है। यहाँ पे आपको ब्लू कलर की लाइन नज़र आ रही होगी, ये वाली, ये जो लाइन नज़र आ रही है भाई, एक सर्कल काटने के बाद ये जो ब्लू नज़र आ रही है, एक सर्कल काटने के बाद दूसरे में कैसे जाना है। तो अगर मैं इसको पैरामीटर में स्ट्रेट कर दूँगा तो ये बिल्कुल स्ट्रेट जाने लग जाएगी, ये देखो यहाँ से सीधी हो गई है, ठीक है, यहाँ से भी सीधी हो गई है, ठीक है, यहाँ से भी ये स्ट्रेट हो गई। तो एंट्री कैसे करनी है बेसिकली हमारे को वो समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मुझे दिल कर रहा है कि सारे को सेलेक्ट करके इसका कलर जो है सिंगल कलर बना दिया जाए। ठीक है, ताकि देखने में हमारे को स्टेप ओवर आसान हो। अगर इसके पैरामीटर में जाएंगे, स्ट्रेट समझ में आ गया, रैंप भी, रैंप में एंगल जितने डिग्री का एंगल दे देंगे उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर यही चीज को मैं हाइब्रिड की जगह स्पाइरल से करता या रेडियल से करता तो भी बनाया जा सकता है। स्पाइरल करके देखते हैं एक बार, स्टॉक हमारे को नहीं चाहिए, मशीनिंग रीजन में कंट्रोल ए दबा के एंड सिलेक्शन, टूल पाथ कंट्रोल में बाउंड्री सेलेक्ट कर लो, भाई इससे बाहर मुझे जाना नहीं है, टूल हमारा सेम ही है, कटिंग पैरामीटर 2 mm है, ओके कर देंगे। अपना यार माइक बंद कर दो। ठीक है, तो ये हमने कर दिया जनरेट। अब इसमें पैरामीटर में अगर मैं जाके देखूं तो ये आउटर रेडियस 12 mm है, इसको बंद कर देते हैं, इनर रेडियस 0 है, 0 से 12 mm तक चलना है, ओके। इसमें ये प्लेन हमारा चेंज हो रखा है, प्लेन हमारे को टॉप व्यू ही करना है, इसके पैरामीटर में भी हमारे को प्लेन जो है टॉप व्यू ही होना चाहिए, टूल प्लेन, ठीक है, जिसकी वजह से ये टूल पाथ क्रिएट नहीं हो रहा था, क्योंकि जेड की डायरेक्शन देखो, ठीक है ना। तो इसमें हमारा कैसे चल रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ये नीचे वाले एरिया में, ठीक है, तो हाइब्रिड में ये वाली प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका क्या है, पहले तो इसको अगर मैं स्टेप छोटा कर दूँ, ठीक है, वैसे तो ये 0.2 0.5 होना चाहिए, मान लो 0.5 कर दूँ, वो भी फिनिशिंग आ सकती है, ठीक है। पर ये देखो नीचे जाते जाते ये प्रॉब्लम करने लग जाता है, जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे स्टेप ओवर बड़ा होता जाएगा, ठीक है। अगर इसकी जगह मैं रेडियल कर लेता, रेडियल में भी सेम तरीका है, कंट्रोल ए दबाओ, स्टॉक हमारे को नहीं छोड़ना, ठीक है, टूल पाथ कंट्रोल में बाउंड्री चाहिए, तो यहाँ पे बाउंड्री सेलेक्ट कर लो, टूल हमारा सेम ही है,
कटिंग पैरामीटर भी सेम ही है, ठीक है, आउटर रेडियस को बंद कर दिया। तीन नंबर आ जाएगा। तो बेसिकली हमने देखना है कि हमारी फिनिशिंग किस टूल पाथ पे बेस्ट आती है। तो रेडियल में आती है तो रेडियल यूज़ करेंगे, हाइब्रिड में आती है तो हाइब्रिड करेंगे, स्पायरल में आती है तो स्पायरल, डिपेंड करता है हमारा कंपोनेंट कौन सा। तो अगर इसके पैरामीटर में जाके देखूँ या वन वे की जगह इसको जिगजैग कर देता हूँ, तो ये हमारी जो टूल लिफ्ट हो रही थी बहुत ज़्यादा वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब ये वाला एरिया तो बहुत अच्छा चल रहा है, पर यहाँ पे ऐसे लग रहा है बीच में बहुत ज़्यादा टूल एक ही जगह में बार बार जा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। इनर रेडियस में मैं यहाँ पे रेडियस ऑफ आर्क नहीं है हमारे पास, तो वैल्यू बढ़ देते हैं, 30 कर देता हूँ। ओके, तो अब वो कह रहा है इनर रेडियस आउटर रेडियस, तो ये आउटर रेडियस में 12 भरा हुआ है, इसको 50 कर लो और इसको बंद कर दो। चाहे बंद है तो भी ये वैल्यू जो है इससे कम नहीं हो सकती, ठीक हो गया, इसको बंद कर दो क्योंकि अभी ये जनरेट हो रहा है, अभी ठीक आ गया ना। तो हम इसका और इसका कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। तो आउटर रेडियस में यहाँ पे 30 कर दो और इसको भी 0.6 कर देते हैं। ओके, जनरेट करेंगे, अभी हाइड हुआ हुआ है तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर लो या फिर हाइब्रिड चला लो, ठीक है। तो तीनों ही अच्छे हैं, हाइब्रिड चाहिए, 2D वाला स्पायरल में चाहिए, ये चाहिए, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, ठीक है। तो जो भी टूल पाथ चाहिए आपको उसके हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। डिपेंड करेगा कि कंपोनेंट कैसा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी कि हाइब्रिड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और स्पायरल को कैसे यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है। अगर आपको ये कंपोनेंट चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो ज्वाइन का बटन दबाओ, मेंबरशिप मिलेगी। मॉडल के साथ साथ आपको एक अलग से प्लेलिस्ट भी मिलेगी जिसमें बहुत सारे टूल पाथ आपको मिलेंगे, अलग अलग सॉफ्टवेयर के, अलग अलग मतलब 65 से ज़्यादा ट्यूटोरियल हैं उसमें, पावर मिल के भी हैं, NX के भी हैं, सॉलिड वर्क्स के भी हैं, तो डिटेल ट्यूटोरियल मिलेंगे। इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा तीनों में से कौन सा टूल पाथ लगा या आपको क्या लगता है इनमें से आपको कौन सा चलाना चाहिए, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना आपको हाइब्रिड बढ़िया लगा, स्पायरल बढ़िया लगा या आपको रेडियल अच्छा लगा, ठीक है। तीनों में से बेस्ट जो भी टूल पाथ लगे उसको कमेंट बॉक्स में लिखो, कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल में उसको सॉल्व कर लें, ठीक है।